तो यहाँ पे अब मैं बिछाऊंगी बेडशीट, क्योंकि जो पहले से बिछी हुई थी वो मैंने निकाल ली है धुलने के लिए, और अब मैं ये वाली बेडशीट बिछा दूंगी। तो चलिए बिछा लेते हैं अपनी बेडशीट, फिर दिखाते हैं आपको। बेडशीट मैंने बिछा ली है और अब मुझे लगा ना यहाँ पे पोछा, तो मिलती हूँ आपको पोछा लगाने के बाद में। और फिर चलना है नीचे, नीचे जा करके लगाना है झाड़ू पोछा। ऊपर का झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है और अब इस बेड की भी बदलनी थी मेरे को चद्दर, तो जी चलिए इसकी भी बेडशीट बिछा देती हूँ। और फिर बेडशीट बिछाने के बाद लगाऊंगी यहाँ पर पोछा, झाड़ू मैंने लगा ली है। तो जी चलिए बिछा लेते हैं बेडशीट। बेडशीट मैंने बेड के ऊपर डाल दी है और अब लगाऊंगी मैं पोछा, मिलती हूँ आपसे पोछा लगाने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के साथ। और तो जी बच्चे सारे हमारे स्कूल जा चुके हैं और काकू आज टिफिन में लेके गया है। रात मैंने चावल बनाए थे और वही बचे हुए थे, तो मैंने चावल फ्राई करके उसको दे दिए। तो काकू स्कूल चला गया और अब मैंने अपना पूरा काम कर लिया। मैंने झाड़ू पोछा कपड़े मशीन में डाल दिए हैं और चाय बनाकर पी ली है और नाश्ता कर लिया है। और अब मुझे करने हैं बर्तन साफ और थोड़ी देर के बाद हो जाएगा काकू के स्कूल से आने का टाइम। तो जी मैं उसको फिर स्कूल से लेने के लिए जाऊंगी। और तो जी देखते हैं आगे आगे क्या होता है हमारी वीडियो में। तो जी बने रहे एंड तक और देखते रहे हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर कपड़े मेरे धुल चुके हैं, चलिए मैं इनको सुखा दे। एक बाल्टी भर के ये रखे हैं और कुछ मेरे हाथ में है, चलिए हम इनको सुखा देते हैं। यहाँ पर कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और चलिए अब चलती हूँ मैं बाकी के कपड़ों को लेकर। फ्रेंड्स, काकू को हम स्कूल से ला चुके हैं और काकू भैया आ गए हैं स्कूल से। और ये देखिए अब काकू जी करेंगे ड्रेस चेंज, मटकने की क्या जरूरत है। और काकू ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और काकू हो गए हैं अब खाने के लिए रेडी। आते खाएंगे काकू सबसे पहले चिप्स, उसके बाद खाना। चिप्स नहीं है, लेज है। लेज, अच्छा। कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? अच्छा। अच्छा क्या हुआ, पिटाई हुई, पढ़ाई हुई? सरप्राइज टेस्ट किस चीज में हुआ था, मतलब क्या लिखवाया था मैम ने? आपको नहीं पता किस चीज का टेस्ट हुआ था, क्या लिखवाया मैम ने, मतलब क्या लिखना था? बताया तो होगा बच्चों को कि क्या लिखना है बच्चों आपको? ABCD लिखना। चलो ठीक है। तो जी अब ढाई बज चुके हैं और बच्चे लोग आ चुके हैं स्कूल से। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और लग गए हैं अपने अपने काम में। तो फ्रेंड्स, शाम के 7:30 बज चुके हैं और खाना मैंने बना लिया है। खाने में बनाया है मैंने दाल और रोटी, अरहर की दाल और रोटी। तो बच्चों ने खा लिया है खाना और बस मैं बाकी हूँ और मैं अभी खाना खाऊंगी। उससे पहले हमने बथवा मंगाया था और इसके बथवे के बनाने हैं मुझे पराठे और बनाना है रायता। तो अब मैं इसको रात को ही बथवे को साफ करके और धो करके और इसको काट करके उबालने के लिए रख दूंगी। और रात में ये उबल जाएगा तो सुबह मैं जल्दी से इसके पराठे बना लूंगी और मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये चलिए कर लेती हूँ मैं अपना बथवा साफ
और उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, काम मेरा ख़त्म हो चुका है, बच्चों ने भी खाना खा लिया और मैंने भी खा लिया, बर्तन बर्तन साफ करके मैं आ चुकी हूँ ऊपर और अब बच्चों को सुलाएंगे। तो जी इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो गाइस ये देखिए मेरे टेस्ट मेरे आए हैं, ए में से ए आए गए, अम्मा ए प्लस आए गाइस मेरे, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ ए और प्लस देखिए और ए प्लस है। तो मैं ड्राइंग में आया हूँ गाइस फर्स्ट। तो गाइस ये देखिए, तो गाइस आपने मेरे टेस्ट तो देख लिया, तो आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।